पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज यानी 9 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सिद्धू ने ट्वीट करके कहा है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था में सुधार से जुड़े पहलुओं को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात करूंगा। ये मुलाकात शाम 5:15 पर होगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि पंजाब का भल्ला मिले जुले ईमानदार प्रयासों से ही हो सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने मुलाकात से 2 दिन पहले तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब सरकार की आलोचना की थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने इसे लेकर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। सिद्धू ने कहा था कि पंजाब पुलिस का जिस तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वह सही नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मुलाकात के पंजाब में अलग सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सिद्धू और भगवंत मान की ये मुलाकात ऐसे समय में होने जा रही है जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ते दिख रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में घिरे हुए हैं और माना जा रहा है कि उनके खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोई एक्शन ले सकती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू इससे पहले भगवंत मान की तारीफ भी कर चुके हैं। सिद्धू ने भगवंत मान को ईमानदार आदमी बताते हुए कहा था कि उन पर कभी उंगली नहीं उठाई और अगर वे लड़ते हैं तो मेरा समर्थन उनके साथ रहेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वे पार्टी की लाइन से हटकर भी पंजाब की लड़ाई में भगवंत मान का साथ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।